नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बीते दिनों प्रदेश में देहरादून और मसूरी से खाने में थूकने का मामला सामने आया था। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई। वहीं अब इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने वाले बाहरी तत्व हैं। उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है, ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बचकर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटना है, जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता, निवेदन करता हूँ, ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करें, उनको खदेड़ने का। मुझे अच्छा लगा जब टीवी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वो थूक वाला जो व्यक्ति था उसकी भर्त्सना की, उनके लिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी देवभूमि के उत्तराखंड के मुस्लिम लंबे समय से वो भी जानते हैं वो देवभूमि का अस्तित्व क्या है, इस बात की उनकी पहचान है। देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका भी योगदान चाहिए। ये सनातनी भूमि है, सनातनी भूमि पर हम सबका सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों से जारी है। ऐसे में बीजेपी अब सक्रिय सदस्यता अभियान भी चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत हर जिले के अंदर सक्रिय सदस्य के सत्यापन की टोली बन चुकी है। सक्रिय सदस्यता का मानक है, पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने, ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य मतलब उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जिस विधानसभा को कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक रहते हैं। और 14 तारीख तक हमारे प्रत्येक जनपदों के अंदर हमारी प्रत्यक्ष बैठकें सक्रिय सदस्यता की टोली के साथ होंगी। इसमें जिले की टोली भी रहेगी और मंडल की टोली भी रहेगी। उसके बाद सत्यापन होगा और 5 नवंबर सूची जो है सक्रिय सदस्य सूची जिला कार्यालय पर टांग दी जाएगी। और उसके बाद विधिवत रूप से हमारे बूथ के चुनाव, उसके अलावा बाद में अपने मंडल के चुनाव, फिर जिले के चुनाव और फिर प्रदेश स्तर पर केंद्र स्तर के चुनाव विधिवत रूप से होंगे। दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की जाती है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर कार्रवाई करती है। सितंबर तक हमारी टीम ने 5,295 छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 1,361 मामले दर्ज हुए। बाट माप विभाग का काम है, केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोड़ के लिए, उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को गटतौली बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना है। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800180429 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर NCH पोर्टल की उस पर शिकायत कर सकते हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में लगातार बढ़ती गौकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इन घटनाओं से जीवन दीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीनंदनंद गिरिजी महाराज बेहद नाराज हैं। उन्होंने गौकशी की घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गौकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए बेहद चिंता की बात हैं। अगर इस पर जल्द अंकुश ना लगाया गया तो हिंदू समाज इसके लिए बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।
गाय के लिए भारत में बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। कर्पात्री जी महाराज ने भी उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थीं और बहुत सारे साधु संत उसमें मारे गए थे। ये एक लंबी मांग है कि गाय माता को इस देश का राष्ट्रीय और दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए और गो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग लगाने पर मनाही है, पर इसके बावजूद नगर आयुक्त के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल नगर निगम ने छात्र संघ चुनाव के दावेदारों ने कॉलेज के ठीक सामने सरकारी संपत्तियों पर होर्डिंग और बोर्ड लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने का काम किया है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्र संघ में जो भी पदाधिकारी जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए पूर्व में हमने कल ही इनको आगाह भी कर दिया है। प्रधानाचार्य महोदय जो MBPG के उनको भी हमने रिटर्न में अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि जितने भी प्रत्याशी उनसे एक शपथ पत्र लिया जाए और यदि ये उसको नहीं करते हैं, शहर की दीवारों को अगर साफ नहीं करते हैं, तो उनसे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल रोड में स्थित पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही ठंडी सड़क के वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग और प्राधिकरण को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पार्क में सौंदर्यकरण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि वो नैनीताल रोड स्थित सभी पार्कों की समीक्षा कर चुकी हैं, दो पार्कों को छोड़कर बाकी की हालत बेहद खराब है। PMGSY की रोड ऊपर से गई है, उसका स्लाइडिंग वगैरह होकर उसका मलबा जो है नाले के रूप में बहकर लोगों के आबादी क्षेत्र में आता है, तो वो लोग मुझसे ऊंचा पुल में जनसुनवाई में मिलने के लिए आए थे। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके यहाँ मौके पर एक बार आकर देखेंगे। तो सिंचाई विभाग ने कुछ वहाँ काम करने के लिए एस्टिमेट्स भी बनाए हैं, उनकी फिजिबिलिटी को भी हम लोगों ने चेक किया, उसमें कुछ जो चेंजेस करे जाने थे मौके की स्थिति के अनुसार वो चेंजेस करने के लिए भी विभाग को बताया है। साथ में उनका एक रास्ता खराब है उसका मामला था, उसका भी एक एस्टिमेट हमने तैयार करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है। उत्तराखंड में महिलाओं की सहायता समूह के माध्यम से रेशम के कोए से हाथों से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को बाजारों में सजाया गया है। रेशम विभाग ने नवरात्रि के मौके पर सहायता समूह ने तैयार किए उत्पाद को लॉन्च किया। उपनिदेशक रेशम विभाग कुमाऊं ने बताया कि रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ इस तरह के प्रोडक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं जो ना सिर्फ देखने में अच्छे हैं बल्कि इससे लोगों को भी फायदा है। वर्ष में जो भी सीखा वो पुराना था, परंपरागत था, परंतु इसमें एकदम में नई चीज सीखी है, तो महिलाओं का उत्साह भी है और इसकी डिमांड भी काफी है। जैसे वो लोग इसमें से डिपार्टमेंट ने जब हमको ट्रेनिंग दी तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ महिलाएं एकदम इतनी सक्षम हो गई थी कि वो अपने प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए भी तैयार हो गई थी, जबकि जब हम और चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो और दूसरा डिपार्टमेंट से हमें यह सहयोग भी रहा कि जैसे ही हम लोगों ने सीखा तो तुरंत हमको अपने रेशम विभाग से ये सहयोग मिला कि दो तीन जगहों से उन्होंने हमारे लिए ऑर्डर भी लिए और हमारे साथ की जो और महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं उन सब ने मिलकर वो प्रोडक्ट तैयार किए और उसका हमको अब उनको इस कार्य में प्रशिक्षित कर दक्ष किया गया है और बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद यहाँ पर तैयार कर रही हैं, जिनके कहना चाहिए कि पिछले माह सितंबर में ही इन्होंने प्रोसीजर प्राप्त किया है और मात्र एक माह का समय हुआ है और अभी तक ही लगभग 30,000 के ऑर्डर प्राप्त कर चुकी हैं जिस पर काम कर रही हैं और आगे भी इनको दीपावली के अवसर पर लगभग 15,000 के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और नव वर्ष के लिए लगभग 50,000 के ऑर्डर फिर इनको प्राप्त हो रहे हैं।
हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में देश भर में खुशी है। वहीं जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि देश में चारों तरफ पीएम मोदी की लहर है, इसी के चलते हमने हरियाणा में जीत हासिल की। आने वाले समय में हम अन्य राज्यों में भी जीत हासिल करेंगे। जो लोग कहते थे मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृहमंत्री अमित शाह जी को, रांची के चाणक्य हैं जेपी नड्डा जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि आपने भी काफी प्रचार हरियाणा में किया और जहां जहां आपने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। और ये हरियाणा की जीत एक ट्रेलर है, महाराष्ट्र में हम जीतने वाले हैं, झारखंड भी हम जीतने वाले हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हम जीतने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना जोश है, क्योंकि परसों बारिश हो रही थी, कुछ कार्यकर्ता वहां आ नहीं पाए थे। आज सुबह कार्यकर्ताओं के फोन आए, साहब हम जश्न मनाना चाहते हैं, तो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम जीत के जश्न को मना रहे हैं। और एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ, भारत करता हूँ और आपके जितने भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में हार पर मंथन जारी है। इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, खुद हरियाणा की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, पर बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस हार गई। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कहा है कि जब तक केदारनाथ को अपना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता तब तक वो विधायक के रूप में वहां के लोगों की सेवा करेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी चुनावों को लेकर हमेशा तैयार रहती है। चुनाव जो है बहुत ही दुखद परिस्थिति में हम इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी विधायिका स्वर्गीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ और उसके कारण हमको इस बाय इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि जब तक केदारनाथ को अपना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता तब तक वो विधायक के रूप में केदारनाथ विधानसभा की सेवा करेंगे। कल 191 करोड़ की उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन करे, बहुत सारी घोषणाएं करी जो जो वहाँ पे जनता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मांग पत्र दिया गया था उसकी उन्होंने घोषणा करी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा तैयारी में लगी रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहने में विश्वास करती है, चाहे वो केदारनाथ में 31 जुलाई की आई हुई आपदा की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आपदा में राहत कार्यों में मदद करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके उनके देखरेख में पूरे 12,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया केदारनाथ आपदा से। शिक्षा विभाग में 27 सितंबर से लगातार अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें विज्ञान विषय में अभी तक 292 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की श्रेणियों में नियुक्ति का काम किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होकर अधिकांश स्थानों में नियुक्ति दी गई है।
जो है अपॉइंटमेंट दो पार्ट्स में है, एक तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है जो कि जिसमें काउंसलिंग जो है थर्ड लेवल की हो गई है और नियुक्ति भी अधिकांश शिक्षकों को दे दी गई है, और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में जो कि गेस्ट टीचर्स है मेनली, उसमें जैसा कि दो ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम दो हैं, तो साइंस स्ट्रीम के जो है दो पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वगैरह के जो टीचर्स थे इनके अपॉइंटमेंट के लिए कार्रवाई हो गई है। अब उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट है उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स थे उसमें 292 की लिस्ट जो है जनपदों को भेजी गई थी जिसमें कि विभिन्न डेट्स पे जो है काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है और उसके बाद जो है उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में माँ यमुना कहाँ से निकलती है? आज हम आपको इसके लिए पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। देखिए, अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है चार धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है जो चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। माँ यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही माँ यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब माँ यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। माँ यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने माँ गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवम्बर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहाँ तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज डेस्क जनता जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।